हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई हमारा प्यारा फ्रैंकलिन अब करेगा सारे के सारे काम। अमेजिंग, आपको बताइए लास्ट एपिसोड में फ्रैंकलिन ने डिसाइड कर लिया कि इसको भी अच्छा तरीके से माफिया वाली लाइन में घुसना है। लास्ट एपिसोड में हमारा जी मतलब के अपना फ्रैंकलिन एंड चोप भाई एक कार को ढूंढ के लेकर के आए थे जो कि बाला वालों के पास थी। बड़ी प्यार से चोप ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। तो फिलहाल आज ना फ्रैंकलिन की एक मीटिंग है जिससे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इसका एक्सपेंड हो सकता है, पैसे कमा सकता है और माफिया लाइन में एंट्री आराम से हो सकती है। उस बंदे से मीटिंग करने के बाद सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो देखते हैं भाई फ्रैंकलिन आखिर कितने ऊपर तक जा सकता है माफिया लाइन में, ट्रेवर तक पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता पता लग जाएगा। बट फिलहाल वैसे फ्रैंकलिन को भी आप हल्के मत लेना, दम इसमें भी काफ़ी अच्छा है बेचारे में। बट फिलहाल हमारा प्यारा भाई थोड़ा गरीब है, बट कोई बात नहीं यार, अगर थोड़ा बदमाश बनेगा तो पैसा भी कमाई लेगा। चलिए निकलते जल्दी से जगह पर, मीटिंग होने वाली है, देखते हैं आखिर किससे जाकर के मिलेगा हमारा फ्रैंकलिन भाई। अपना फ्रैंकलिन भाई आ चुका है और इसने आते ही ड्रोन बाइक ले लिया यहाँ से। तो चलिए भाई अपने प्यारे फ्रैंकलिन कैसा है भाई, बड़े दिनों में देखा है तुझे, बहुत दिन हो गए, मतलब इससे कभी मौका लगता ही नहीं भाई खेलने का। दूसरी बार भी घूम सकती है क्या भाई, बच गई, लगा नहीं था भाई कि बाइक हो जाएगी। देखो स्टंट, अबे कौन सा स्टंट मारा चीटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भाई। मैंने ऊपर से घुमाई थी तब तो स्टंट लगा नहीं तुमसे, और अब जहाँ पे स्टंट करना सोचा नहीं वहाँ पे स्टंट दिखा रहा है मेरे को, स्टंट फेल नमूना हो गया, कितने बीड़ी मार लेता है जीटीए भी। तो चलिए फिलहाल में मीटिंग पास के एरिया में ही रखी गई है, कुछ ही बंदे हैं, ज़्यादा कोई बड़े बंदे नहीं कि ऐसे बहुत ज़्यादा बंदे आएंगे मिलने के लिए। एक दो बंदे आएंगे और कुछ गार्ड्स होंगे उसके साथ में, फिर देखते हैं बंदा क्या बोलेगा। छोटा मोटा लोकल माफिया है। मीटिंग करने के बाद वो बंदा बोल रहा था तुम्हें काफ़ी चीज़ें दिलवाऊंगा मैं फ्रैंकलिन, पता लग जाएगा कि आखिर क्या करवाएगा। अगर भाई हमें लगता है काम करने से फायदा होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहुंच गए भाई मीटिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, वाह इससे। अबे भाई फ्रैंकलिन तू कहाँ मतलब कहाँ फंस गया, ये कार्बन कॉपी की दुकान, ये हसमुख चाचा, ये कुछ नहीं दिलवाने वाला, फायदा तो करवाता नहीं है। और भाई हसमुख कैसा हंस रहा है, क्या हालचाल है बेटे, हंसता ही रहता है हंसता ही रहता है, फिर भी स्माइल दे के रखता है। जीटी वालों ने इसको स्माइल दे के रखी है परमानेंटली, स्माइली चाचा। जरा बताइए हमें क्यों बुलाया, फ्रैंकलिन को कष्ट क्यों दिया भरी दोपहर में, देख रहे हो कितनी धूप आगे रखी है बोलो। मैंने इससे बात कर ली है, फिलहाल ये बोल रहा है कि ड्राइवर देखो मेरे मतलब के फ्रैंकलिन, ड्राइवर बोल रहा हूँ बेचारा नाराज हो जाएगा। फ्रैंकलिन को बोलता है कि देखो फ्रैंकलिन मेरे बहुत अच्छे अच्छे बंदों के साथ कॉन्टैक्ट्स है, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देखो भाई वैसे फ्रैंकलिन को करने की जरूरत नहीं है, अगर ये चाहे ड्राइवर से आराम से बहुत बड़ा माफिया ऐसे बनवा देगा ड्राइवर को रातों रात, बट फ्रैंकलिन अपने दम पर कुछ करना चाहता है, आराम से जीरो से शुरुआत करना चाहता है, जीरो से हीरो बनना चाहता है। अगर भाई जीरो से हीरो बनना है तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर ड्राइवर की हेल्प लेगा फिर तो जल्दी हो जाएगा, बट ये ऐसा नहीं करना चाहता, इसको अपना खुद का प्रेशर बनाना है। तो ठीक है भाई अभी मैं आपको बताता हूँ इसने क्या बोला। ये बोलता है कि अगर फ्रैंकलिन को इसकी टीम में आना है तो फ्रैंकलिन के लिए इसको पुलिस स्टेशन जा करके दो चार फाइलें लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि इस चाचे के ऊपर बहुत ज़्यादा केस चल के रखे हैं, अगर वो केस नहीं हटे तो चाचे को कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर इसको फांसी की सज़ा मिल सकती है। ये बोल रहा है कि तुम मेरी वो फाइलें लेकर के आ जाओ फ्रैंकलिन, और उसके बाद तुम्हें अपनी टीम में ले लूँगा और बहुत बड़े वाले अलग अलग माफियाओं से मिलवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल के हैं, यहाँ तक कि वो बंदे बहुत सारे ड्राइवर के साथ भी काम कर चुके तुम्हारे दोस्त के साथ में। तो मैंने बोला भाई देख ड्राइवर से मैं ऐसा नहीं कि ड्राइवर का नाम लेके बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं अपने दम पर बनूंगा, मैंने इसको बोल दिया। ये बोल रहा है हाँ हाँ मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा फ्रैंकलिन, अगर तुम्हें माफिया बनना है मुझे मेरी हेल्प तुम्हें लगेगी, बट अगर तुम्हें मेरी टीम में आना है तो काम करो। तो ठीक है भाई मैंने आपको सारी बातें बता दी है, तो चलिए इसकी कुछ फाइलें हैं पुलिस स्टेशन में, जाते हैं लेकर के आते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका हूं भाई, कुछ फाइलें लानी है और कंप्यूटर से डेटा लिंक करना है, बस इतनी ज़्यादा बात है और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेगा फ्रैंकलिन ब्रो। चलिए अंदर निकलने के लिए, बहुत बढ़िया खुल गया सिम अंदर निकलते। देखो मैं पीछे रास्ते से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे कम होते हैं और ज़्यादा बंदा में कोई फायदा नहीं होगा। तो ठीक है भाई पिस्टल निकाल लिया मैंने साइलेंसर वाली, ये सबसे बेस्ट गन होती है किसी बंदे को सीधा करने के लिए। फ्रैंकलिन आगे निकलता है, बहुत ही बढ़िया। कैमरा टूटेगा क्या? ओके भाई कुछ नहीं होने वाला, ऐसे चिपका आगे रखा है, फेवी को लगा के रखा है, ये नहीं टूटने वाला। अपने प्यारे जीटीए वाले ने बहुत मजबूत चिपकाया उसको। तो ठीक है भाई चलिए कोई है क्या? ओके भाई एक पुलिस वाला है दिख गया मेरे को, आराम से फ्रैंकलिन सो सॉरी चाचा जी गोली खाइए। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसका भी नेता बना दिया, सो सॉरी भाई देख सो सॉरी दिल पे मत लेना सर पर ही ले ले। तो ठीक है भाई और कोई बंदा भी है क्या? आराम से चलता है फ्रैंकलिन। ओके भाई अंदर बंदा है देखो सामने, वो मेन गेट की एंट्री पर बंदा है, आराम से दबे पैर निकल फ्रैंकलिन यहाँ पर। ओके भाई यहाँ पर ही फाइलें होती है और नीचे कुछ फाइलें थी, बट मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि चाचा ने बोला था मेरी टॉप वाली फाइल है तो इसलिए मेरे को यहाँ पर रख। कौन भाई आजकल वांटेड बन के रखा है नमूना, ये कौन है? अरे भाई साहब इसका फोटो अभी तक हटाया नहीं है भाई, अपना जनरल है इसको अभी तक वांटेड बना के रखा है। अबे नमूना वो इसने मान तो एक क्राइम किया था बट तुमने पकड़ तो लिया था इसको, अभी तक पोस्टर नहीं हटाया मतलब पेपर नहीं हटाया, हटाओ इसको। मैंने सभी फाइलें चेक कर ली भाई, किसी फाइल में चाचा का डेटा नहीं है। क्या पता भाई फाइल में डेटा हो ही ना, कंप्यूटर में सारी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कंप्यूटर में सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हो, चेक कर लेता हूँ।
प्रैंगलिंग चेक कर कंप्यूटर में सारी चीजें है या नहीं है। मैंने भाई सारी चीजें चेक कर ली, कंप्यूटर में ही डेटा था, फाइलों में नहीं लिख के रखा बंदों ने। तो मैंने एक काम किया, उस सभी डेटा की फिलहाल तो एक कॉपी बनाई, जिप करा और उसको फटाफट से सेंड कर दिया अपने प्यारे चाचा को जिसने मेरे को काम दिया है, और कंप्यूटर से कर दी मैंने डिलीट। मैंने उसको सेंड इसलिए किया, मेल इसलिए किया ताकि उस बंदे को मेरी बात पर भरोसा रहे। कई बंदा सोचे कि फ्रैंकलिन तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। तो ठीक है भाई, मैंने चाचा काम कर दिया, अब मैं आ चुका हूँ टीम में। सिंपल ही काम था यार, बच्चों वाला काम दिया बंदे ने मेरे को। अब उसके बाद देखते हैं क्या मेरे को करने के लिए बोलेगा। चलिए फ्रैंकलिन भाई बाहर निकल, असली काम तो शुरू अब होगा, जब मेरे को गैंग के बड़े बड़े बंदों से मिलवाएगा, मेरी थोड़ी पावर्स बनेगी, फिर मैं काम करूंगा, बंदे मेरे को काम दे करने के लिए, जो भी है रोबरी के या किसी और चीज़ के। करते 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 हम भी अलग बंदों की नज़रों में आ जाएंगे, और ऐसे ही करते करते कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद फ्रैंकलिन भी बन जाएगा बहुत ही बड़ा गैंगस्टर। चाचा से बात हो चुकी है, चाचा बहुत ही खुश है, बोल रहा है फ्रैंकलिन तुमने दिल खुश कर दिया मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत खुशी है मेरे को इस चीज़ की, थैंक यू तुमने कर दिया। मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, बताए करना क्या है। फिलहाल चाचा ने एक काम मेरे को और दिया है, बोल रहा है कि फ्रैंकलिन मेरे भाई एक और बहुत ज़रूरी काम है जो मेरे बाकी बंदे नहीं कर पा रहे। फिलहाल वो बंदा थोड़ा ज़्यादा डेंजर बनता है, तो मेरे बंदों को उसने बहुत मार गिराया, इसलिए यार ये काम होल्ड पड़ा है कुछ दिन से, तुम इसको करोगे। उसने मेरे को एक बंदे को मारने के लिए बोला है, एक छोटा मोटा बंदा जिसका नाम पीटर है भाई, वो आसपास के मोहल्ले में रहता है, वो बड़ा बदमाश बनता है अपने आप में। चाचा के बंदों ने उसके पास गया, मतलब पता क्या पंगा क्या है, पंगा ये है पीटर ने बहुत टाइम पहले हमारे चाचा से उधार लिया था हसमुख से, जो कि था बहुत बड़ा अमाउंट, जस्ट $10 million। वो अमाउंट उसने ले तो लिया, अब दे नहीं रहा भाई। चाचा बार बार बंदे भेजता है और उसके बंदों को मार डालता है, पैसे देता नहीं है, ऐसा नमूना है पीटर। तो उसने बोला कि पीटर को मैं मारूं। तो ठीक है भाई चलिए निकलते हैं पीटर का दियांड करने के लिए। पैसे ले लिए और बंदों को भी जान से मार रहा है, ये अलग ही लेवल का बंदा हो के रखा है पीटर। बेटे तू तो गया, पीटर की जगह पर मैं पहुंच चुका हूँ, पीटर यहीं पर आया भाई फिलहाल कुछ बंदों से पैसा वसूल करने के लिए। बदमाश एक नंबर का, ये भी पैसे लेके देता नहीं है और दूसरे से पैसे वसूल कर रहा है। ओके अपने बहुत सारे बंदों के साथ आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए पीटर भैया जी कर क्या लोगे, फ्रैंकलिन आया तुम्हारा नेता बनाने के लिए, निकाल मिनिगन भाई 10,000 गोली। इसको कहते हैं नया माफिया बनने का पूरा जोश है, 10,000 गोली लाया कि जो कोई बोला खत्म कर दूंगा। फिलहाल चलो भाई अभी इनको बताना पड़ेगा कि शहर में एक और नया गैंगस्टर आ चुका है जिसका नाम है फ्रैंकलिन। वैसे फ्रैंकलिन भी भाई कोई इतना नया नहीं है, बहुत पुराना है, बट फ्रैंकलिन बीच में शरीफ बन गया था, इसने क्राइम करने छोड़ देते सारे काम, मतलब सारे काम ट्रेवल ही करता है, बट फाइनली ये खाली रहने के हो चुका है बोर। हेलो भाइयों कैसे हो, ओके गोली लगे ही। पीटर कहाँ पर है, पीटर बोल रहा है, पीटर बिना मास्क में, सारे सर गैंग वाले बंदे मास्क में है, पीटर है बिना मास्क के। पीटर भैया क्या होगा, कंफ्यूज हो गया, अरे कवर लेके मारेगा, ये ले जूते में खा, अरे आर पार हो रही है गोली, अरे ले ले कैची लगी पेट में लग गई ना, सॉरी छाती में लग गई, अरे रे रे पीटर भाई इतना क्यों ऐसा उल्टे काम करते हो कि गोली खानी पड़ती है। तो चलिए फाइनली पीटर का दी एंड मैंने कर दिया है, थोड़ी देर में होश में आने दो, पैसे देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चाचा के हिसाब से 2 गोली मारे काम खत्म। पीटर होश में आ चुका है, बोल रहा है कि फ्रैंकलिन सर बस 2 मिनट रुकिए, अभी मैं फोन करके अपने बंदे सारा अमाउंट ट्रांसफर करवाता हूँ, 10 थे ना मैं 10 के 15 दे दूंगा, प्लीज मेरे को जान से मत मारिएगा। हेलो चाचा चंपू, ओके भाई ये बंदा बात कर रहा है फोन पे, जैसे ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद बनाऊंगा पीटर का नेता। पीटर भैया करो 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 करो, फ्री में गार्ड्स मरवा दिए, चाचा को 10 मिलियन लेकर के दे देता तो बच जाता। तो चलिए भाई इस चाचा से वैसे काफी लिंक मेरे मिलने वाले हैं, अब देखते किस किस बंदे से मिलवाएगा, कौन कौन बंदा मुझसे काम कराएगा, फिर मेरा नाम फैलेगा माफिया में और ट्रेवर की तरह माफिया बन जाएगा बहुत बड़ा, फिर फ्रैंकलिन भी आगे सारे काम बढ़िया हो जाएंगे, फिर ट्रेवर के साथ रहना शुरू करेंगे। वैसे चाहे तो अभी रह सकते हैं, बट ट्रेवर के साथ रहने का फायदा नहीं है, ट्रेवर के साथ रहोगे तो ट्रेवर का ही नाम लेते हैं बंदे, क्योंकि ट्रेवर का इतना ज्यादा खौफ है, इसको अपना अलग प्रेशर बनाना है। चाहे तो लिबर्टी सिटी जाना पड़ जाए फ्रैंकलिन, कोई दिक्कत नहीं है, लिबर्टी सिटी खाली पड़ा है, वहाँ पे जाके माफिया बन जाते हैं ना, लॉस सैंटोस तक ट्रेवर ही है। मैं सही सोच रहा हूँ यार, मुझे लगता है लॉस सैंटोस में ना रहने की बजाय अगर हम लोग लिबर्टी सिटी में जाए या वाच सिटी में जाके वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे हम काफी अच्छे बड़े गैंगस्टर बन सकते हैं, यहाँ पे अपना दोस्त ऑलरेडी है। अब देखो जब भी उसको मार नहीं सकते, उसके ऊपर हो नहीं सकते, तो इसलिए कहीं और जाते हैं वहाँ पे ट्राई करते हैं, चलिए सोचेंगे इसके बारे में फिलहाल। हेलो भाई अमाउंट ट्रांसफर हो गया, बंदा बोल रहा है कि हाँ हाँ हो गया फ्रैंकलिन सर, मैंने चेक भी कर लिया, आप चाहे तो मैसेज देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अरे रुक तो सही, अरे रुक जा पीटर भैया, पैसा मिल गया, रुक तो सही वे पंगा लेगा। तो चलिए फिलहाल भाई फाइनली दी एंड, चाचा का बोलता हूँ पीटर की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है और ऑलरेडी तेरी फाइल तो मैंने खत्म कर ही दी है, अब तेरे सारे काम पूरे हो गए चाचा, अब मेरा काम करवा। तो देखते भाई क्या होने वाला है, नया गैंगस्टर शहर में आ चुका है, अब देखे कहाँ पे राज जमाना है वो अलग बात है, लॉस सैंटोस, लिबर्टी सिटी या वाइस सिटी, तीनों में से जहाँ भी जाना पड़े चले जाएंगे। तो बस फिर भाई फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, आप लोग ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।